व्हाट्स अप गाइस, आई एम वीर। वेलकम टू वीर की पाठशाला। तो देखिए, आज से मैं आपके नोवेल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा 4 से 5 पार्ट के अंदर, ठीक है। तो जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले ये पूरा जो आपके नोवेल है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इतनी बड़ी नोवेल होती है कि आप अच्छे से इसे पूरा रिविजन नहीं कर पाते, इसलिए आपको वीडियो देखनी है अच्छे से। सिर्फ क्या एक ही काम करना है, आपको अच्छे से सुनना है, और सुनने के बाद आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस नोवेल से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे जो 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से जिस काम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से पूरा हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा नोवेल के बारे में, ठीक है। तो आइडिया देखिए ये कि हम पढ़ किसके बारे में, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया पहले हमारा प्यारा भारत महान, इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए कि कहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, ये हो गया यूरोप, और यूरोप ये पूरा पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये कंट्रीज, ये हो गया यूरोप, और ये हो गया इधर अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका में थोड़ा सा जिक्र है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने अमेरिका भी आपको दिखा दिया है। बाकी का आपको इसमें पढ़ना है मेनली आपको इसमें जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी देखिए इस जगह पढ़ता है मॉडर्न डे, आजकल आजकल जो जर्मनी है उस जगह पढ़ता है, ठीक है। तो इस जगह के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर जो कि एक मेन कंट्री हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था उसमें एक्टिव कंट्री थी वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो बाकी तो और भी थी, जापान वगैरह भी था, लेकिन मेनली जर्मनी के बारे में ज्यादा था, हिटलर जब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। तो उसी समय की कंडीशंस को दिखाया गया इसके अंदर कि किस तरीके से लोगों को कंडीशन जो वहाँ पे दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, ठीक है, और जो एनी की फैमिली है उसको भी किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, कैसे छुपे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने जिंदगी को बताया। और फाइनली हम देखते हैं कि सिर्फ उसके एनी के फादर ही बचते हैं एंड में आके, इतनी ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, बाकी सबकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन इस नोवेल के अकॉर्डिंग या नोवेल के थ्रू हमें जानने को मिलती है, जो कि एक तरह से डायरी थी, और डायरी को बाद में नोवेल का रूप दे दिया गया, ठीक है, जो कि एनी ने लिखी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिससे कि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए सारी चीजों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्ली लाइफ नो एनी फ्रेंक की, ठीक है। तो एनी फ्रेंक जी तो एक करेजियस लड़की थी, मतलब एक बहुत बहादुर लड़की थी, ठीक है, काफी स्मार्ट भी थी। तो उसे क्या हुआ, उसके 13th बर्थडे पे, मतलब जब उसका 13वां जन्मदिन था। तो देखिए, अब इससे 13th बर्थडे से ये कहानी स्टार्ट होगी नोवेल की, ठीक है। लेकिन अब जब हम अर्ली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसकी पहले शुरुआती लाइफ भी बताई गई होगी, ठीक है, जो भी एनी ने लिख रखी होगी या किसी और ने बाद में लिख दी होगी उसके बारे में। तो पहले थोड़ा पीछे का डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे इसकी कहानी चलेगी। तो देखिए, स्टार्ट कहाँ से होगी, एक तरह से 13th बर्थडे से, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पैदा होते ही तो डायरी लिखने लगनी जाएगा, ठीक है। तो मान लिया इस बंदी ने, एनी फ्रैंक ने 13th बर्थडे से स्टार्ट करी अपनी डायरी लिखना, तो ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो इसका 13th बर्थडे था, और इसे किसी फ्रेंड ने इसको एक डायरी गिफ्ट कर दी थी, ठीक है, रेड और व्हाइट चेकर्ड, ये आपको याद रखने की, कैसी थी, रेड और व्हाइट चेकर्ड, ठीक है, चेक शर्ट जिस तरह से होती है उसी तरह से ये डायरी थी उसके, ठीक है, कवर। तो अब क्या हुआ, इसने उसका नाम रख दिया किट्टी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, किट्टी इसका नाम रख दिया। और उसने स्टार्ट कर दिया उसमें अपनी फीलिंग्स को, जो भी डेली इसके साथ होता था वो सारी चीज़ें, इसके आसपास जो चीज़ें होती थी और फ्रेंड्स के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी उसने लिखना स्टार्ट कर दी उसके अंदर। और एक तरह से बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनने की किट्टी। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक तरह से डायरी को इसने अपना इतना अच्छा फ्रेंड बना लिया है कि अब सारी बातें उससे शेयर कर सकती है, जो भी हो रहा है सारी चीज़ उसका शेयर करती थी। और किट्टी एक तरह से जो डायरी थी वो ना कुछ बोल सकती थी, सिर्फ क्या करती थी, प्यार से एनी की बातों को सुनती रहती थी, ना कभी रिप्लाई करती थी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे बोला गया है कि एनी ने जो डायरी थी वो एनी की जो लोनलीनेस थी उसे मतलब दूर करने में बहुत ज्यादा मदद निभाती थी। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बताना है क्यों बन सकता है। कि देखो, पहले तो आप एक बात होगी यहाँ पर कि एक तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है, जिसके साथ वो शेयर कर सके अपनी सारी बातों को, तो किट्टी को ही अपना दोस्त बना लिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि किट्टी भी उसकी बातों को अच्छे सुनती रहती थी, और कोई उसको रिप्लाई नहीं किया करती थी, मतलब जिस तरह से फ्रेंड में देखते हैं हम, मजाक भी उड़ा देते हैं आपका या कुछ और भी आपको बोल देते हैं, इस तरीके से किट्टी ऐसा कुछ नहीं किया करती थी। तो इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया एनी की लाइफ में, ठीक है, तो उसकी लोनलीनेस दूर करने के लिए, क्योंकि उसका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड था नहीं शुरुआत में। बाकी आप देख सकते हैं किट्टी जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, और उसमें वो सारी चीजें लिखने लगी, कन्फाइंड हो गई, एक तरह से पूरी तरह सिमट गई किट्टी के अंदर ही। इसने अपनी लाइफ बना दी एकदम किट्टी को अपना, ठीक है, सारी चीजों को शेयर करती थी उसके साथ में। तो इस पूरी स्लाइड में आपने देखा कि किट्टी का कितना ज्यादा रोल था एनी की लाइफ में, तो डायरी एक तरह से उसकी जो थी। अगला आप देख रहे हैं कि अब क्या हुआ कि किट्टी जो थी वही उसे कंफर्ट देती थी, सपोर्ट करती थी उसे बहुत ज्यादा, ठीक है।
आगे आप देखेंगे कि उसे बहुत ज्यादा गिफ्ट और भी मिले थे, अकेली किट्टी एक तरह से वो डायरी नहीं मिली थी, और भी सारे गिफ्ट मिले थे। ठीक है, जब उसका बर्थडे था, उसने जो अपना बर्थडे था वो सेलिब्रेट करा था स्कूल के अंदर अपने। ठीक है, और काफी सारे फ्रेंड्स ने उसे और भी ज्यादा गिफ्ट दिए थे, तो उन गिफ्ट के बारे में जानना नहीं है, वो तो आपसे पूछने वाले नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और भी उसे गिफ्ट मिले। लेकिन जब वो घर पे आए थे तो उसके पेरेंट्स ने भी उसे कुछ गिफ्ट दिए थे, बुक्स वगैरह दी थी। ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात क्या थी कि इतना कुछ होने के बाद भी बर्थडे मना रही है, इतने सारे दोस्त है, फ्रेंड्स से गिफ्ट मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ का कोई ऐसा कोई उसका फ्रेंड नहीं था जिसे वो अपना ट्रू फ्रेंड बोल सके। ठीक है, उसे वो अपना ट्रू फ्रेंड बोल सके, ऐसा कोई उसका फ्रेंड था नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एनी जो है किस तरह से अकेली थी, और इसलिए उसने किट्टी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। अब उसे क्या एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत थी जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नीड्स बताई जा रही है कि एक ह्यूमन बीइंग की क्या नीड होती है। तो यहाँ पे एक फ्रेंड की भी बहुत ज्यादा नीड रहती है, अपनी हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसके अंदर। एक फ्रेंड के बिना भी हम एक तरह से अधूरे रहते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो काफी ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, सारी चीजें शेयर कर पाते हैं उनके साथ अच्छे से। ठीक है, जो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे चीजें दिखाई जा रही है। आगे आप देखेंगे कि जो किट्टी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, और एक तरह से वो अपने सारे सीक्रेट्स जो होती है वो इसी के अंदर शेयर करती थी, किट्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली लाइफ फिनिश होती है। अब बात करेंगे उसकी एनी की फैमिली की और उसके बारे में पूरा। तो एनी की फैमिली की अगर बात करें तो उसके फादर, मदर और वो दो सिस्टर्स थी। ठीक है, मार्गोट और एनी। ठीक है, और उसके फादर्स थे ओटो फ्रैंक और मिसेस फ्रैंक, जो उसकी मदर थी। तो उसके जो फादर थे वो काफी फैमिलियर थे उसके साथ, एडोरेबल फादर थे। ठीक है, और जब उनकी शादी हुई थी एनी मदर के साथ, जब उनकी एज थी 36। ठीक है, ही गॉट मैरिड टू एनीज मदर एट द एज ऑफ 36। ये आपको याद रखना, 36 की एज में उनकी शादी हुई थी। अब एनी की एक एल्डर सिस्टर थी, ठीक है, एक बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था मार्गोट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और आगे आप जब देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो आपको पता चलेगा जो एनी थी वो मार्गोट से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। ठीक है, क्योंकि जो मार्गोट थी जो अपने आप में रहती थी, सेल्फिश बन जाती थी, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझती थी। ठीक है, इसलिए एनी इसको बहुत ज्यादा हेट करती रहती थी, और एनी के रिलेशन अपनी मदर के साथ भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन फादर के साथ इसके रिलेशन काफी अच्छे थे, ये आपको और पता होना चाहिए। अब देखिए, इसकी जो मार्गोट जो बहन थी वो 1926 में पैदा हुई थी, और जो एनी एनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 जून 1929 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी एनी की, 1929। अब ये पैदा कहाँ हुई थी, ये हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में, पहले बता दो, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। ठीक है, और 4 साल की उम्र तक वहीं पर ये रही थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि इसके जो फादर थे, पहले तो काम किया करते थे एक कंपनी के अंदर, डच ओपेक्टा कंपनी। ठीक है, उसके अंदर काम किया करते थे, और ये एक ऐसी कंपनी थी जो जैम से रिलेटेड, जैम बनाने से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह बनाती थी। लेकिन 1933 में क्या हुआ, इसके जो पेरेंट्स थे उन्हें इमिग्रेटेड होना पड़ा हॉलैंड के लिए। ठीक है, क्यों, इसके जो फादर थे उनका ट्रांसफर हो गया था एक तरीके से, जो एक तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे, इसलिए इन्हें क्या हुआ कि ट्रांसफर कर दिया गया इनका, ठीक है, हॉलैंड के लिए, और वहां पर इन्हें जाना पड़ा। इसकी जो डॉटर्स थी मार्गोट और एनी, उन्हें सेंट मतलब एक तरह से भेज दिया फिर उन लोगों ने कहाँ पर, उनकी ग्रैंड मदर के पास जो एचिन में रहती थी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर के साथ इनके पास भेज दिया। अब क्या हुआ, जब ये ग्रैंड मदर के पास पहुंची, दादी के पास पहुंच गई, तो दादी के पास ही इनकी पढ़ाई लिखाई होगी बाकी आगे वाली। तो क्या हुआ, अब एनी जो थी वो मेंटसूरी नर्सरी जो स्कूल वगैरह हुआ करता था वहां पर जाने लगी, और 6 साल की उम्र तक वहीं पर रही। ठीक है, और इसके जो टीचर थे, एनी के जो टीचर्स थे, ठीक है, मिसेस क्यूपर्स क्यूपरस, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो इसके प्रिंसिपल थे उसके साथ इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, क्या हुआ, जो उनके दोनों थे उन एक दूसरे के लिए लाइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, मतलब एनी अपने प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल एनी को पसंद करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, और दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे जब एनी स्कूल को छोड़ के जा रही थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कितने अच्छे खासे रिलेशन बन गए थे इसके प्रिंसिपल के साथ में, कि एंड मौके पर जब बंदी छोड़ के जा रही है तो आंसू आ गए प्रिंसिपल के आंखों में भी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइफ इन जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया किस तरीके से चीजें चलती आ रही थी। तो अभी देखेंगे कि जर्मनी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्या थी कि इससे इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो एनी की फैमिली थी, अब वो बहुत ही
एंजाइटी में रहते थे। एंजाइटी मतलब चिंता बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसके जो रिलेटिव्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे जर्मनी के अंदर रह रहे थे, और जर्मनी में जो था हिटलर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, और उसने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए थे कि अब वहां पर रहने वाले लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी पड़ती थी, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए, किसी की भी रिलेटिव प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको चिंता या टेंशन जरूर होती है, इसलिए इनके जो एनी की जो फैमिली थी उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ 1938 में। अभी देखिए 1938 पे आ गए हैं, तो समझ सकते हैं अब जो एनी है वो यहाँ पर 9 साल की हो चुकी होगी। ठीक है, उसके जो अंकल थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जर्मनी से चले जाते हैं कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो नॉर्थ अमेरिका में भग गए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको नॉर्थ अमेरिका बताया था कि कहाँ पर चले गए। ठीक है, यहाँ पर कि उनकी ग्रैंड मदर रहा करती थी। ठीक है, ग्रैंड मदर के पास पहुंच गए, और क्या हुआ, एज 73 केम टू लिव विद देम, और जिनकी एज थी 73, और वहां पर जाके फिर वो रहने लगे। ये आपको याद रखना है, ग्रैंड मदर की एज बता रखी है, तो उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके जो अंकल वगैरह थे वो फिर जर्मनी को छोड़ के अमेरिका चले गए और ग्रैंड मदर के पास रहने लगे। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया जर्मनी को। अब देखिए, ट्रबल तो स्टार्ट हुई मेन 1940 आग में, 1940 में आके। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ कि एंटी ज्वेलिस जो सीरीज थी, एक तरह से जो रूल्स हुआ करते थे वहां पर, वो आ गए, और इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए फ्रीडम पर लोगों की। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जर्मनी के अंदर लोगों की कंडीशन क्या हुई थी। तो देखिए, जर्मन्स के अकॉर्डिंग्स में बताया गया है कि जो ज्यूस वहां पर रहा करते थे उनके लिए कंपलसरी हो गया कि आपको एक येल्लो कलर का एक स्टार पहनना ही पहनना है। ठीक है, और उन्हें ये मना कर दिया गया कि अब आप स्ट्रीट कार्स, चाहे आपकी खुद की हो चाहे आपने किराए पर ली हो, ठीक है, आप नहीं चला सकते हैं। तो देखिए, कार चलाना तक उनके लिए बंद कर दिया गया, वो अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, इधर से उधर जा नहीं सकते हैं। आप देखिए, शॉपिंग का टाइम जो उनका फिक्स कर दिया गया कि आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही आपको शॉपिंग करनी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी और पर्टिकुलर टाइम पर मिले तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाल दिया, और उनकी जो लाइफ थी वो एक तरह से हेल बन गई वहाँ पर जर्मनी के अंदर। तो अब देखिए, तो यह प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो वहां से निकल के जाएंगे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब इतने इतने में क्या होता है कि इसी समय दौरान एनी की जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, और उनकी डेथ हो जाती है 1942 में आकर। ठीक है, तो जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई है। अब देखिए, इस समय जो एनी है उसकी जो फैमिली है, मतलब उसकी जब ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, तो सबसे ज्यादा दुख जिसको होता है ग्रैंड मदर का, वो होता है एनी को, क्योंकि एनी उनके पास रह के आई होती है और बहुत ज्यादा पसंद करती थी अपनी दादी को। इसलिए क्या करती है, जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जब बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो उनके लिए भी सेपरेटली एक कैंडल जलाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनी बहुत ज्यादा ग्रैंड मदर से अटैच थी, तो जब उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ तो उसने क्या हुआ, एक कैंडल जलाई उनके नाम पर भी अपने बर्थडे पर। ठीक है, 1942 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है उसकी अर्ली लाइफ, फैमिली के बारे में, और जर्मनी में किस तरह की लाइफ थी। तो आगे अब मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो आपको सारी कंडीशन बताऊंगा कि एनी की फैमिली किस तरीके से जर्मनी में फंस गई, वहाँ पे जो उनकी दिक्कतें थी और बढ़ती गई, किस तरह से वो सीक्रेट एनेक्स में पहुंचे, वहाँ पे लाइफ कैसी थी, एंड मैं सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। ये सारे नेक्स्ट पार्ट में अब आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में मेरे को लिख के बताएं अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट वीडियो में अगर चाहिए तो। बाकी का इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें, क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे, ठीक है, जिसने अभी नोवेल अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, कम से कम आप उसका इतना सा फायदा करा ही सकते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।